Hey guys, welcome to Physics in Playground. Hey guys, अभी हम लोग देख रहे हैं प्लांट किंगडम और ये रहा एनिमल किंगडम। तो देखो, एनिमल किंगडम से तीन क्वेश्चन आया था 2018 में, दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग से बनेगा और इसी से है। और देखो, एक बात बताता हूँ, सक्सेस का बड़ा इम्पोर्टेंट राज है, यही है कि काम करो, जो काम होता है उस काम को करो, पर उसी काम को अलग तरीका से करो, एकदम अलग तरीका से। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करना, नीट के लिए पढ़ो पर अलग तरीका से पढ़ो, सबसे हट करके पढ़ो, तो सबसे हट करके रिजल्ट आएगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्या चाहिए था, आइडेंटिफाई द वर्टेब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड किजार्ड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया था, देखो एनिमल किंगडम कभी भी पढ़ो तो रिलेशन करके पढ़ो। रिलेशन मतलब कैसे रिलेशन, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ममेलिया, ये चारों का रिलेशन देखो, कोडाटा नॉन कोडाटा का रिलेशन देखो। 2019 में भी संभावना है कि कोडाटा नॉन कोडाटा से आ जाए। फिर आप लोग कैसे देखो, आप लोग एनिलेडा मोलुस्का आर्थोपोडा, इसका रिलेशन देखो, और बड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा और याद भी ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट इम्पोर्टेंट। तो एक बार मैं पढ़ दूंगा, शायद आप लोगों को ये दिखाई देता होगा, क्योंकि कलर है, उस समय करवाता था तो उस समय कलर कर देता था कि भैया ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। अच्छा देख लिए, क्रॉप की जाट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्रॉप की जाट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है, और बर्ड्स किस में आते हैं, एप्स में आते हैं। तो उसमें क्या चीज़ होता है, उसमें आप लोगों का यूरिनरी ब्लडर नहीं होता। तो चलो एप्स का पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एप्स में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमाटिक क्रॉप एंड गिजाट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहीं पे क्लियर कट आ गया कि क्रॉप गिजाट किसका है, एप्स का। तो आग बंद करके एप्स लगा कर आ गया, चार नंबर हो गया। दूसरा, एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म, होम्योथर्म कौन सा नहीं है, तो भैया सिंपली सी बात है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और उधर का जो भी वर्टेब्रेट हो गए, वो सारा का सारा पोइक्लोथर्म हो गए। वर्टेब्रेट मतलब क्या चीज, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रोसाइस्ट और एग्नाथा वाला हो गया, कॉन्ड्रोसाइस्ट हो गया। कॉन्ड्रोसिस्ट होने के बाद आप लोगों का, कॉन्ड्रोसिस्ट के बाद ओस्टेसिस्ट हो गया, ठीक है, ओस्टेसिस्ट, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया। तो जितना होता है वो सारा का सारा पोइक्लोथर्म, पोइक्लोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है। और कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या चीज़ समझ में आता है, कि वो अपना टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकता। जैसे हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोगों को गर्मी में अपना बॉडी उस तरीका से इवॉल्व कर लेते हैं, ठंडा आता है, विंटर का समय आता है तो बॉडी को फिर इवॉल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसा फेज आता है हल्का गर्म हल्का ठंडा, तो उसमें हम लोगों का मतलब अपना बॉडी का टेम्परेचर इवॉल्व आराम से कर लेंगे। स्टीम हीट में चले जाओ या कहीं पे भी हम लोगों को रख लो, तो हम लोगों को मतलब क्या चाहिए, हम लोग भी एक तरह से ममेलियन में आएंगे। ममेलिया मतलब सारा का सारा ममेलिया, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंसानी और लिविंग बींग्स ही ऐसा है, मतलब ममेलिया, जैसे पोलर बियर या कोई भी, एंटार्क्टिका में भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, बाकी और कोई भी चीज़ आप लोग लेके आइए नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ अपना कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ होते हैं, वो होते हैं हम लोगों का जो अपना खुद से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, या मतलब उस इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो होते हैं एप्स एंड ममेलिया, जिसको बोलते हैं हम लोग होमियोथर्म्स, जिसको बोलते हैं होमियोथर्म। देखो यहाँ होमियोथर्म लिखा हुआ है, जो नहीं कर सकते हैं, और होमियोथर्म वार्म ब्लडेड होता है, होमियोथर्म इज वार्म ब्लडेड, उसको बोलते हैं होमियोथर्म। फिर आता है पोइक्लोथर्म, जो कि रेगुलेट नहीं कर सकता। तो समझ में आ गया, तो यही है क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, होमियोथर्म का था। तो मैक्रोपस, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, और जो कि होता है हमारा ममेलियन, और ममेलियन कैसी होता है, होमियोथर्म और एप्स होमियोथर्म, मतलब दो ही होमियोथर्म है, बाकी कुछ भी दे दे तो पोइक्लोथर्म। तो ये हो गया, मैक्रोपस को कंगारू बोले, चिलोन को रेप्टाइल बोले, और रेप्टाइल देख लो, रेप्टाइल भी मैंने बताया था, यहाँ देखो पोइक्लोथर्म, कोल्ड बी, देखिए नोट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट भी मुझे नहीं आता, पर कोल्ड भी मतलब कोल्ड, बी फॉर ब्लड, कोल्ड ब्लडेड, समझ में आ रहा ना, शॉर्टकट में रहता है थोड़ा सा, तो कोल्ड ब्लडेड। तो चिलोन हो जाएगा खत्म, सिंपल सा है यार। एग्जांपल मैं उसमें तो नहीं लिखा है, पर आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा, चिलोन देख लीजिए, पहला ही है,
टर्टल को बोलते हैं जो कि रेप्टाइल रेप्टिलिया में आता है, यहाँ रेप्टिलिया, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ बाहर का नहीं पढ़ना, बाहर का आ गया तो आ गया, हम मुझसे नहीं बने तो किसी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा मतलब 10-12 स्टूडेंट से बन जाएगा, पर अगर सही ढंग का आ गया ना बाहर से क्वेश्चन एनिमल किंगडम से तो किसी से नहीं बनेगा, समझ में आ रहा। और एनसीईआरटी का आएगा तो एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब वो याद हो जाएगा, लगता नहीं होगा पर याद हो जाएगा। जैसे ओवी पुरुष में सिर्फ और सिर्फ एक पेली टेपस होता है जो कि मेमेलिया होता है, और ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर विविपेरस होता है, देखो मैक्रोपस लिखा है, कंगारू, पेट्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, तो यहीं से पूछा है। कैमल, कैमलियस, कैमल होता है, यही सब पूछा है इसमें, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। देखो कैमलियस पूछा है, पिस्टिलुका को पैरोट बोलते हैं जो कि एप्स में आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब आता है ये तो कॉकरोच, ये तो आगे वाला चैप्टर में हो गया। फिर ये डाइएटम्स, अच्छा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये क्या मतलब नया पूछ लिया, कुछ नया नहीं पूछा है। 2016 में पेपर पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, सही बात है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, यही तो गलत है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, डाई एटम्स का वॉल जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। डाई एटम इज अर्थ इज फॉर्म्ड बाई द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डाई, ध्यान से पढ़ो, 2016 का पेपर है ये, नीट का पेपर है 2016 का, फोर्थ ऑप्शन, एकदम आराम से पढ़ो। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ठीक है। और यहाँ पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डाई एटम्स। अब क्या चाहिए यार, अब इससे इजी अब क्या चाहिए। और ये कहाँ पे मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। और क्या, ये क्राइजोफाइट्स देख लेना, यूग्लेनोइड्स, सॉरी प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट, यूग्लेनोइड्स, लाइमोल्ड, प्रोटोजोन, पांच चीज होता है, पांचों चीज पढ़ लेना। यहाँ पे देख लो, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो जो पेपर प्रीवियस ईयर क्यों बोलता हूँ, सॉल्व करो, ढंग से सॉल्व करो। बोलते आ रहा हूँ कि नहीं बोलते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर बना लीजिए, एनसीईआरटी बना लीजिए, और मेरा जो क्वेश्चन डालता हूँ वो कर लीजिए, उसके बाद नहीं जाएगा। और आप लोग देखिए, यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठ करके आ गया, एक क्या बहुत क्वेश्चन उठ करके आते हैं, तो उस तरीका से पढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ 2016 से एक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि इसी से पूरा उठ के आ जाएगा, हर एक ईयर में उठता, हर एक ईयर से बनता। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, और ये तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ा देता हूँ, वो कोशिश करना लिख लेने का, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में तो समझ में आएगा, पढ़ा देता हूँ पीडीएफ फॉर्म में भी, देखता हूँ क्या होता है, लास्ट में आपको बता दूंगा कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा कि नहीं। या एक काम करते, देखो सबसे बेटर मैं बताता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कर दो, अगर बोलोगे कि पीडीएफ में दे दो तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, और तुरंत बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना, ये आने वाला संभावना, जैसे ऐसे मार्क कर दूंगा, जैसे यहाँ 2019 लिख दिया उस तरह मार्क कर दूंगा, पाँच से मिनट से भी कम लगे, अगर आप लोग बोलोगे तो पीडीएफ में डाल दो। अगर बोलोगे कि इसे एक एक लाइन बता दो, समझ में नहीं आ रहा, तो एक एक लाइन में समझा भी दूंगा, क्लियर है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा चैनल आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, अगर आप हो तभी तो ये चैनल है, कोई देखने वाला नहीं तो ये चैनल किस काम का, समझ में आ रहा ना। तो आपका चैनल है, आप जैसा बोलिएगा वही मैं करूँगा, मुझे अपलोड करने में कितना 2-3 सेकेंड का काम है मेरे लिए ये सब, ठीक है। तो जैसा पीडीएफ बोलिए तो पीडीएफ कर दूंगा, अगर पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ डालूंगा तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पीडीएफ डाल के छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जरूर से जरूर मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।